चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, आखिर वो कारगर क्यों नहीं होती? वो क्या अवामिल हैं जो इन पॉलिसीज को मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल नहीं होने देते? जो हमारे यहाँ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो प्रैक्टिकल नहीं होती। ये वो पॉलिसीज़ होती हैं जिनको गाइडलाइन अमेरिका और यूरोप और जो बाकी बाहर की तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो देती हैं। उनका कल्चर हमारे कल्चर से डिफरेंट है। वो ये समझते हैं कि सिर्फ ये पॉलिसी देने से ये हमारे बच्चे जो हैं या जो हमारा कल्चर है उसमें तब्दीली आएगी। हमारा जो यहाँ का आम आदमी है, गरीब तबका है, जब तक वो आसूदा नहीं होगा, जब तक उसके मसाइल हल नहीं होंगे, तब तक वो अपने बच्चों को बैंक बैलेंस के तौर पे इस्तेमाल करता है। वो उनकी एक फोर्स होती है। जिस गरीब आदमी के ज़्यादा बेटे हों वो ये समझता है कि शायद उसकी ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए आपको ये निज़ाम तब्दील करना पड़ेगा, अपनी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी और अपने तरीके से निपटना पड़ेगा। पाकिस्तान में जिस तरह एक हर अदारे में एक तबाही का शिकार है हर अदारा, इसी तरह ख़ास तौर पर मैं ये इस ज़िम्मेदारी का तौयीन भी इसी तरह करूँगी कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों के साथ बिल्कुल माँ जैसा सलूक करे। और जब तक रियासत अपना इस तरह का पॉजिटिव रोल प्ले नहीं करेगी और अपने शहरियों के साथ वो सलूक नहीं करती जो कि एक माँ करती है, तो ये मसाइल हल नहीं होंगे। और ख़ास तौर पर मैं जो चाइल्ड लेबर के हवाले से जो कवानीन भी हैं, जो मौजूद भी हैं, उनको भी, और अगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं भी हो रही तो मैं उसको इसी फिलॉसफी के बैकग्राउंड में देखूंगी। जिन बच्चों पर जिस्मानी या जिंसी तशद्दुद होता है उनके कसूरवारों को सजा देने के लिए क्या अलग से कानून और कोर्ट्स बनाने की जरूरत नहीं है? मैं समझता हूँ कि ऐसे बच्चे जिन पे ऐसा तशद्दुद होता है उनके लिए फिलहाल अगर इतना ही कर दिया जाए कि जो हमारे ऑलरेडी कोर्ट्स हैं और जो हमारा ऑलरेडी कानून है वो मौजूद है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। देखिए, नए कानून बनाने की बात तो तब होती है कि जब जो ऑलरेडी है वो पूरा इम्प्लीमेंट हो रहा हो और रिजल्ट ना दे रहा हो। तो मैं समझता हूँ इस इशू को सीरियसली लेना चाहिए। हमारे एक्टिविस्ट जो हैं सोशल, उनको फॉरवर्ड आना चाहिए, आगे आना चाहिए, हुकूमत को और NGOs को मिल के इन बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बात तो सिर्फ वही आ जाती है कि कवानीन बेशक यानी मौजूद भी हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश भी है, मगर बात यह कि उसको इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। जब तक ये अदालतें भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ अदारे भी हैं, पुलिस मशीनरी भी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी हैं, मगर जब तक आप उनको पूरी सिंसियरिटी के साथ और जिम्मेदारी के साथ इम्प्लीमेंट नहीं करते, मेरा ख्याल है कवानीन बनाकर उनका ढेर लगा देने से तो कोई मसला हल नहीं होगा। उस दिन के तशद्दुद के बाद आयशा पर अनीसा का तशद्दुद मामूल बन गया। आयशा के लिए जिंदगी एक डरावना ख्वाब बनती जा रही थी। आखिर एक दिन उसने वहां से भागने की कोशिश की। उस रात आयशा वहां से भाग तो गई, लेकिन उसे क्या पता था कि अब हालात उसके लिए मजीद तल्ख हो जाएंगे। अनीसा और उसके शौहर ने इस डर से कि कहीं आयशा और उसके घर वाले उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर दें, उन्होंने आयशा और उसके खानदान वालों के खिलाफ चोरी की FIR दर्ज करवा दी। चूंकि वो लोग असरो रसूख रखते थे, इसलिए पुलिस ने आयशा और उसकी वालदा को गिरफ्तार कर लिया। माई मांजा, शराफत से मांजा, वरना मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं। साहब जी, मैं कसम खा के कहती हूँ, उन्होंने मार मार के मेरी बच्ची का बुरा हाल कर दिया। और क्यों शरीफ लोगों पर इल्जाम लगा रही है? और मैं जानता हूँ तो जैसे लोगों को। साहब जी, मेरी माँ ठीक है, मेरी माँ पे दुआ कीजिए। ओए बंद करो अपनी बकवास। ओ माई, मैं 10 मिनट में वापिस आ रहा हूँ। अगर तुम लोगों ने अपना जुर्म कबूल ना किया तो तुम जानते नहीं तुम कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। आयशा का केस मीडिया में मंजरे आम पर आया तो इंसानी हकूक की तंजीमों के शोर मचाने से आयशा और इसकी वालदा की जान पुलिस से छूट गई। लेकिन इस तरह के कितने केसेस हैं जो मंजरे आम पर नहीं आते? क्या चाइल्ड लेबर का कोई एंड भी है? चाइल्ड लेबर को एक तो मरहलावार ख़त्म किया जा सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि चुटकी बजाते ही आप समझें कि ये ख़त्म हो जाए। और इसमें तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। पहली चीज़ ये है कि आपको उस माँ बाप के जो हालात हैं उनको बेहतर करना पड़ेगा। जब तक आप ये नहीं करते उस वक्त तक चाइल्ड लेबर ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि फाइनेंशियल कंपल्शन होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको एजुकेशन, तालीम,
आप तालीम देंगे, अवेयरनेस देंगे, तो माँ बाप को पता लगेगा कि ये जो हम छोटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने बच्चे को भेज के 10-20 रुपये 100 रुपया कमा रहे हैं, अगर तालीम देंगे तो ये बड़ा होके हज़ारों करोड़ों कमाएगा। तो ये सेकंड चीज़ है। और तीसरा ये है कि हमारी वैल्यूज़ को बदलने के लिए मीडिया को इस्तेमाल करें, मौलवियों को इस्तेमाल करें, उस्तादों को इस्तेमाल करें, जो लोगों का जहन बदलें। अगर जो आजर है एम्प्लॉयर है वही एम्प्लॉय नहीं करेगा इनको, उसका जहन अगर चेंज होगा तो जाहिर है इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने का, ख़त्म तो खैर शायद नहीं किया जा सकता, ये हमेशा से रही या शायद हमेशा रहेगी, क्योंकि इसके अपने फ़ायदे हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन इसको कम ज़रूर किया जा सकता है, करना चाहिए भी, क्योंकि मुआशरे की ग्रोथ के लिए मेरे ख्याल में चाइल्ड लेबर का कंपोनेंट जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। तो चाइल्ड लेबर को के कंपोनेंट को कम करने के लिए वही एक डिस्ट्रीब्यूशनल जस्टिस, दूसरे नंबर पे एडल्ट्स को या बड़ों को जो जवान लोग हैं या जो लेबर फोर्स में मौजूद हैं उनको इतने पैसे दें कि वो अपना और अपनी फैमिली का इकोनॉमिक बोझ या मुआशी बोझ या मुआशी ज़रूरियात उनको पूरा कर सके। ज़्यादातर लोग तालीम आम करने को ही इस मसले का हल करार देते हैं, लेकिन क्या गुर्बत का खात्मा किए बगैर तालीम को आम किया जा सकता है? कतई नहीं। आपको जब तक गुर्बत को आप कम नहीं करेंगे तब तक आप तालीम को बेहतर नहीं कर सकते। देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्होंने साइमल्टेनियसली चलना होता है, और जब भी माशरे में तब्दीली आती है, माशरे में तरक्की आती है, तो सब चीज़ें इकट्ठी चल रही होती हैं। साथ साथ आप गुर्बत को कम कर रहे होते हैं, साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा रहे होते हैं, लोगों को जब आसूदगी आती है तो वो तालीम की तरफ जाते हैं, जब उनमें तालीम आती है तो उनमें शऊर पैदा होता है, जब शऊर पैदा होता है तो फिर आपकी कदरें बेहतर हो जाती है, एंड देन यू मेक अ गुड, एक अच्छा माशरा जो है उसकी तश्कील होती है। हमारे करीबी मुल्क श्रीलंका में लिटरेसी रेट 98% या इसके करीब करीब है, तो मसले तो वहाँ पे भी हैं, गुर्बत, लड़ाई, झगड़ा, फसाद, कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है। उस मुल्क में कोई लाइफ क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, हालांकि सारे के सारे लिटरेट है, तालीम बहुत ज़्यादा आम है। असल में जो मुल्क का सियासी निज़ाम है, समाजी निज़ाम है, गवर्नेंस है, वो जितनी देर तक पब्लिक के लिए नहीं होगी, पावरलेस के लिए नहीं होगी, पुअर के लिए नहीं होगी, जिनकी एनर्जी यूज़ होती है सारी की सारी, उनके लिए नहीं होगी, तो ये मसाइल कभी हल नहीं हो सकते। दोनों जो जिम्मेदारियाँ ये रियासत की हैं, तालीम जो है बच्चों को देना फ्री, जब तालीम आ जाती है और एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है तो उसमें गुर्बत वाला एलिमेंट निकल जाता है, क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्टेट की है तो फिर कोई गरीब हो या अमीर हो वो रियासत ने उसको जिम्मेदारी, उसकी रियासत की जिम्मेदारी है कि वो उसको एजुकेशन प्रोवाइड करें। और अगर आप इन हालात में देखते हैं तो उसमें ऑब्वियसली दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, गुर्बत को ख़त्म करने के इकदाम भी रियासत की जिम्मेदारी जो कि नहीं पूरी कर रही, और तबकाती सिस्टम जो है, साम्राज्य निज़ाम जो है वो दिन ब दिन प्रमोट होता जा रहा है। चाइल्ड लेबर के ख़त्म ना होने में हमारा भी बराबर का किरदार है। हमारे इर्द गिर्द होटल्स, खोखों और पंक्चर की दुकानों पर बच्चे मजदूरी करते हुए नज़र आते हैं। अगर हम ज़्यादा रहम खाते हैं तो इनको टिप दे देते हैं और समझते हैं कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। जब तक हमारा रवैया नहीं बदलेगा, इस रस्म सितम के सिरे यूं ही बिखरे रहेंगे। रूज नासिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।